हेलो एवरीवन, वेलकम टू इमा 1111। मैं हूँ इमा और आज हम लोग सुनेंगे एक अलग सी सक्सेस स्टोरी जो थोड़ी सी फनी भी है एंड शॉर्ट स्टोरी है। इट इज़ अबाउट इंस्टेंट कर्मा कि कैसे आप जो भी देते हो वो आपको कई ज़्यादा होकर वापस मिलता है, चाहे वो फीलिंग्स के थ्रू हो, वर्ड्स के थ्रू हो, एक्शंस के थ्रू हो, वॉट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू। खैर ये तो जनरल बात हुई, ये सबको पता है राइट। पर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस में ये सुना है कि जब भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो किसी भी चीज़ का, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव आउट समथिंग। वो किसी की मदद करना हो सकता है, किसी के लिए प्रे करना हो सकता है, किसी के लिए लव वाइब्रेशंस देना हो सकता है, एनीथिंग, बट जस्ट ट्राई टू गिव आउट। क्योंकि मैनिफेस्टेशन के टाइम पे हमेशा एक ही फीलिंग मन में चलती है, रिसीविंग की, लेना है लेना है लेना है, बट गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हेन यू गिव देन बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपके पास चीजें ब्लेसिंग्स के रूप में वापस आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। ये स्टोरी एक लड़की की है जो द सीक्रेट को फॉलो करती हैं अपने लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मैनिफेस्ट की हैं बाय यूजिंग द सीक्रेट। अब ये एक किस्सा शेयर करती हैं कि जब वो फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी तो उन्होंने ज़्यादा पैसे देकर एक महंगे रो में अपनी सीट बुक कराई थी सो दैट वो आराम से बैठ सके, ज़्यादा स्पेस मिल सके उन्हें और कोई ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला ना हो। पहले भी जब ये ट्रैवल कर रही थी तो उनके आसपास वाली सीट पे कोई भी नहीं था और वो आराम से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से ट्रैवल किया था उन्होंने। और वो सोच रही थी कि इस बार भी मैं यही मैनिफेस्ट करूँगी कि मेरी दोनों साइड की जो सीट्स हैं उस पर कोई भी नहीं आएगा और मैं अकेले आराम से ट्रैवल करूँगी। लेकिन जैसे ही सारे पैसेंजर्स अंदर आ रहे थे उन्होंने देखा कि एक ओल्ड लेडी है जो फ्लाइट अटेंडेंट से बात कर रही थी और वो कह रही थी कि मुझे आगे वाली सीट पे ही बिठा दो क्योंकि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था ना, दम घुटना, ज़्यादा आसपास बहुत भीड़ भाड़ वाले लोग हैं तो थोड़ा सा सफोकेशन होता है और उन्हें खुला और फ्रंट में रहना अच्छा लगता है। तो वो ओल्ड लेडी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, एक्सप्लेन भी कर रही थी उस फ्लाइट अटेंडेंट को कि मुझे यही सीट चाहिए। और जिसकी ये सक्सेस स्टोरी है वो बैठकर प्रे कर रही थी कि हे भगवान, मतलब बिल्कुल भी मुझे कोई भी अपने आसपास नहीं चाहिए, नहीं मतलब नहीं, उन्हें अकेला ही जाना है। और वो अकेले ही अपने आप को विजुअलाइज़ कर रही थी और जैसा वो सोच रही थी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। फ्लाइट्स के डोर क्लोज हो गए और वो जो ओल्ड वुमन थी वो लास्ट में जाकर बैठ गई जहाँ उनकी सीट आई थी। जो फ्लाइट अटेंडेंट है उन्होंने ओल्ड वुमन को ऑफ़र दिया था कि आप अगर एक्स्ट्रा पैसे पे कर सकते हो तो आप इस फ्रंट सीट पे बैठ सकते हो, लेकिन उस औरत के पास पैसे भी नहीं थे। जब फ्लाइट स्टार्ट हो गई तो उस लड़की को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो औरत पीछे कैसे बैठेगी, क्लॉस्ट्रोफोबिया है, उसे बहुत ज़्यादा सफोकेट होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और यही सारी चीज़ें उनके मन में चल रही थी तभी उन्होंने फ़्लाइट अटेंडेंट से बात की और कहा कि मैं उस ओल्ड वुमन के एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी हूँ, आप उन्हें इस सीट पर बिठा सकते हो। मैनिफेस्टेशन पूरा होकर भी फ्रंट रो में अकेले बैठ कर भी उन्हें अच्छा नहीं फील हो रहा था और फिर जब वो ओल्ड वुमन आकर इनके साइड में बैठ गई तो उन्हें अच्छा फील होना स्टार्ट हुआ, एक मन में शांति लगी कि चलो मैंने कुछ अच्छा किया। कुछ टाइम बाद जब फूड और ड्रिंक्स वगैरह सब सर्व होते हैं और इनके रो में जब वो आई तो अटेंडेंट ने कहा कि मैं आपसे बिल्कुल भी पैसे चार्ज नहीं करूँगी, हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि इतना काइंड पैसेंजर आज तक कोई भी नहीं आया था फ्लाइट में। और इतना ही नहीं, जो एक्स्ट्रा पैसे ओल्ड वुमन के लिए ये लड़की देने वाली थी वो भी उन्होंने लेने से मना कर दिए। तो इन्होंने किसी के लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया और इनके साथ उससे भी ज़्यादा डबल अच्छा हो गया। वॉट एवर यू गिव ऑलवेज 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 कम्स बैक टू यू एंड इट वॉज अ शॉर्ट बुलेट स्टोरी विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर स्टोरीज, तो मुझे अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बाय।